हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो हम दोनों भाई अभी हम ब्लॉग बनाने का कोशिश किए हैं, जो एक ब्लॉग हम दोनों भाई बना लेते हैं। मेरा भाई ये दरभंगा में रहता है, तो ये आया है तो हमने सोचा एक ब्लॉग इनके साथ बना लें। तो बहुत दिन के बाद ये आता है, ऐसे घर पे नहीं रहता, वहाँ कोचिंग चलाता है। तो इनसे हम कुछ पूछ लेते हैं, जो कोचिंग वहाँ पढ़ाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसा लगता है वहाँ। तो फ्रेंड, ये भाई साहब का मोबाइल है, मेरे पास तो मोबाइल लोकेलिटी है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये मोबाइल का क्वालिटी कैसा लगता है। तो देखिए, इनका भाभी भी आ गए हैं उधर, तो गायत्री भी हैं उनके साथ। तो आप इस साइड आ जाइए, गुड़िया जी इस साइड आ जाइए। तो देखिए, हम लोग यही शूटिंग करने आए थे, तो भाई साहब ही रिकॉर्ड कर दिया, थोड़ा हेल्प कर दिया। हम तो जानते नहीं थे इतना अच्छा रिकॉर्ड कर लेता है। आज का शॉर्ट वीडियो जो देख रहे हैं आप, वीडियो मेरे चैनल पर जो इन्हीं ने रिकॉर्ड किया है, तो कैसा लगता है वीडियो वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दीपक भाई, तो आप बोलिए, जो दरभंगा में कैसा लगता रहता है? दरभंगा मस्त लगता है। आज बहुत सारे ब्लॉग हम लोग शूट किया, बहुत सारा शॉर्ट वीडियो बनाए। अच्छा। बहुत मज़ा आया, आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। तो दीपक भाई, दरभंगा से अच्छा गाँव में लगता है ना आपको? गाँव में बहुत मज़ा आता है, चारों तरफ हरियाली है, देखो इतना मजा। तो शहर में क्या शहर वाला जाने का, दरभंगा में तो केवल रूम ही रूम, बिल्डिंग बिल्डिंग रहता है, वहाँ हवा भी सांस लेने का। यहाँ पे एकदम शुद्ध हवा मिल रहा है एकदम, अभी तो हम लोग हरियाली के बीच में हैं। तो फ्रेंड, क्या बताएं, हम लोग तो सोच लिए जो थोड़ा आज दीपक भाई आया है तो एक वीडियो बना लेते हैं। गए गुड़िया जी, हाँ, तो क्या बोलते हैं, हमारा शूट हो गया है, अब रात में लाइव आएंगे, आप लोग लाइव का इंतजार कीजिए। अच्छा, दीपक भाई कैसा शूटिंग किया, वीडियो बताएंगे? आज तो बहुत अच्छा वीडियो बना एकदम फुल। एक बार गुड़िया जी से भी पूछ लेते हैं, क्या दीपक जी कैसा लगा वीडियो आपको शूटिंग करता था? मुझे तो बहुत एंजॉय मिला। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या होगा? और आप चाहते हैं जो दीपक हमेशा ऐसे ही रिकॉर्ड करे? हाँ, बहुत अच्छा शूट कर। लेकिन दीपक भाई का मजबूरियां है बहुत, तो दीपक भाई भी चैनल बनाएगा फ्रेंड, तो इनका भी आप सपोर्ट कीजिएगा। लेकिन अभी नहीं बनाएगा, तो अभी आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए, जब भी खोलेगा मैं आपको बता दूंगा, चैनल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का अभी फिलहाल में। तो ये चाहते हैं कि हम इस सब के चैनल वैनल के लफड़ा में अभी नहीं पढ़े, जब नौकरी वोकरी लग जाए तब उसके बाद ही पढ़े। तो फ्रेंड, अच्छा बात है, कोई पढ़ाई के करियर में अपना आगे बढ़े तो और अच्छा बात है। तो मेरा भाई है, तो हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, जो अच्छा दुआ करते हैं, जो पढ़े लिखे मन लगा के और कुछ बने, अफसर होता है। यूट्यूबर को कोई मोल नहीं है, यूट्यूबर सिर्फ पैसा कमा सकता है, अफसर का पोस्ट हुआ। क्या जी? जी आज कैमरामैन बने थे हम, बहुत मज़ा आया। कैमरा शूटिंग किया है। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लग रहा है देखिए आप, ये मेरा भी शूट करने में बहुत मज़ा आया। मज़ा लगेगा, ये भैया भाभी था साथ में, तो उसके साथ क्यों नहीं मजा लगेगा। गायत्री भी कुछ बोल दो, प्यार ही भाई, बोलो गायत्री भाई, टाटा बोलो बेटा, टाटा बोलो, नहीं बोलेगी अभी, मरता है इसको। तो फ्रेंड, कैसा लग रहा है ब्लॉग आप लोग बताइए। इस ब्लॉग में ये खास मकसद है कि जो हमारा भाई आया था आज, तो उसके साथ वीडियो बनाने का मकसद था, यही था। और ब्लॉग तो हम हर रोज बनाते हैं, लेकिन इसके साथ बनाने में कुछ अलग ही मज़ा लगता है, क्योंकि ये बहुत हंसमुख आदमी है और गंभीरता नहीं लेते कोई बात का। एक्शन लेने वाला वो दिखाने में नहीं, एक्शन लेता है उस जगह जहाँ लेना होता है, हर जगह एक्शन नहीं लेता है। तो आप लोग इनको भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, और जो पढ़े लिखे और नौकरी लग जाए, भगवान दुआ से। और आप लोगों का भी ज़िंदगी बने रहे, आप लोग भी अच्छे रहे, स्वस्थ रहें, जो भी काम करते हैं आप लोग अपने ज़िंदगी में मस्त रहे, व्यस्त रहे। क्या जी? जी बिल्कुल सही। तो भाई साहब तो कल चले जाएगा शाम में, तो कल भी थोड़ा एक ब्लॉग इनके साथ बनाएंगे, सुबह में इसको भी ले जाएंगे, एकदम बस में छोड़ेंगे वहाँ तक का बनाएंगे। क्या जी? जी एकदम तक बनाएंगे। अब आप, आपको तो छोड़ने हम ही जाएंगे ना, आप भले दूसरे को थोड़े आवाज देखेंगे, नेशनल हाईवे दिखाएंगे हम लोग, गाँव के थोड़ा सा ही बगल है एकदम नेशनल हाईवे, अभी हम लोग आए हैं अपना। बहुत खतरनाक रोड है भाई, वहाँ गाड़ी हर समय चलता है सेकंड पे, तो वहाँ का नज़ारा और कुछ मज़ेदार होने वाला है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम अभी आप लोगों के साथ इतना थे, और क्या बताएंगे, अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे फिर यहाँ से शूटिंग हो गया है, शाम हो गया फ्रेंड, देख सकते हैं फ्रेंड। क्या जी? हाँ, कौवा चहचहा रहा है। गुड़िया जी, आपको वीडियो बनाने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आपको वीडियो बनाने में अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ब्लॉग बनाने में कितना मज़ा लगता है? ब्लॉग बनाने में भी बहुत मज़ा आता है, कहने का क्या है। तो ब्लॉग में बहुत अच्छा लगता है? हाँ।
हाँ शॉर्ट वीडियो में तो और मजा लगता होगा, उससे भी ज्यादा उसमें, क्योंकि डांस भी गाना भी चलता है ना। वैसे डांस तो करते नहीं है ज्यादा ज्यादा, गाना का आनंद भी लेते हैं, गाना का तो फुल एंजॉय करते हैं। गाना का फुल एंजॉय लेते हैं। अच्छा एक बात बोलिए तो, जो चैनल आपका चाहते हैं जो जल्दी मोनेटाइज हो जाए ना, चाहते तो है बट लेकिन फ्रेंड लोग नहीं सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड लोग सपोर्ट करेंगे तभी ना, तो फ्रेंड लोग से बोलिए ना जो सपोर्ट करे। तो हम तो बोल रहे हैं कि फ्रेंड लोग आप मेरे चैनल, तो उधर फ्रेंड लोग के तरफ देख के बोलिए ना, उसको बोलिए ना फ्रेंड लोग को, आप ही बोलेंगे तो सुनेंगे, हम लोग बोलेंगे तो थोड़े सुनेगा। हाँ नहीं सुनेंगे, तो फ्रेंड लोग आप मेरे वीडियो को देखिएगा पूरा, और पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे लोगों के भी पास भेजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा दूसरे लोगों के पास। तो फ्रेंड गुड़िया जी का कितना मांग है, डिमांड है, वो तो आप जान लिए, और आप लोग अगर डिमांड कुछ है गुड़िया जी से कुछ कमेंट में लिख दीजिएगा, भेज दीजिएगा जो कैसा वीडियो बनाना है कैसा। दीपक जी आप बताएंगे कुछ? वैसे हम लोग यही बताएंगे, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, ये दोनों हम लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, अभी इतना भाई को देखते देखते भाई को भी आश्चर्य लग रहा है जो कितना मेहनत कर रहा है भैया भाभी, और अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। बस आप लोगों से सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट सपोर्ट करिएगा, फिर मेहनत करने में मजा लगेगा और नया नया आपको ब्लॉग मिलेगा, वीडियो मिलेगा। और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा जरूर। तो आज का ब्लॉग तो आप लोगों को कुछ अंदाज ही कुछ अच्छा लग रहा होगा क्वालिटी में। तो देखिए अभी का नज़ारा दिखा रहा है, देखिए उधर कितना बाद है, अभी बिया है, धान की बिया अभी रोपनी चल रहेगा। तो फ्रेंड हम कितना नज़ारा दिखाए आप लोगों को, देखिए ये गायत्री गुड़िया दोनों टबा अब घर जाने की तैयारी में है। क्या गुड़िया? हाँ एक बात बताओ, तुम जो तुम्हारा ब्लॉग रहता है तो उसमें तुम जोर से क्यों नहीं बोलती हो? बोलेंगे अभी नहीं नहीं है तो। तो कैमरा की तरफ देख के क्यों नहीं बोलती रहती हो? इतना अभी पास बोलना नहीं आता मुझे, मैं धीरे धीरे। नहीं बोलना है तो कैमरा की तरफ देख के अच्छा से बोलना चाहिए। थोड़ा उधर कीजिए ऐसे, क्यों ऐसे मैं कितना साफ लगता है देखते हैं ना, फ्रेंड भी खुश हो जाएगा वीडियो देखेगा तो। नहीं खुश हो जाएगा तो गायत्री को बुलवाइए कुछ, धीरे धीरे हम भी टैलेंट हो जाएंगे ना। टैलेंट हो जाएंगे तो क्या, आपको पता है टैलेंट हो जाएंगे? मुझे पता है टैलेंट का कैसे होता है, किसको बोलता है बोला जाता है? नहीं बोलिए ना, टैलेंट उसको बोलता है जो पूरे एकदम दिल खोल के एकदम बोली। हाँ तो वही तो यही कहने का मेरा मतलब था कि दिल खोल के गाएंगे नाचेंगे धूम मचाएंगे। हाँ खूब बिंदास कूदेंगे फांगेंगे, वही हुआ टैलेंट। हाँ ये शर्मिंदगी ये गंदगी ये खराबी, यही शर्मिंदगी और गंदगी है, दूर करना है। हाँ तो दूर करना है। तो फ्रेंड कितना सिखाएंगे हम गुड़िया जी को, आप ही बताइए। इसको हम गुस्सा दिलाते रहते थे जोर से बोले, ऐसे बोलता नहीं रहता है लाइफ में। तो फ्रेंड इनको सिखाते सिखाते हम तो थक जाते हैं, सिखाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड देखिए अभी का नजारा कैसा लग रहा है, हम लोग नीचे आए और कैमरा ऊपर है, हम लोग के पीछे एक और आदमी है, ये देखे कौन है थोड़ा दिखाइए फ्रेंड लोग। कहाँ दिख रहा है? पुतला सा। अच्छा वो पुतला वाला, हमको तो डर ही हो गया था फ्रेंड, ये क्या दिखा रहा है जो आदमी किधर से आ गया। तो फ्रेंड अब यार हमारा लाइव अभी तो यही एंड करते हैं, तो फिर कल मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो इस अभी के लिए बाय बाय टाटा, दीपक कर दो बाय फ्रेंड बाय।